हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रियम्बल को, तो आज उसको और इलेबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि प्रियम्बल ओरिजिनेट हुआ है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है ये कंसेप्ट। उसके बाद बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया ने भी प्रियम्बल को फॉलो किया है, प्रैक्टिस को लाया है अपने अंदर। इसके पहले प्रियम्बल जैसा ही कुछ कंसेप्ट था हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जिसमें कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताया गया था, और वो इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। और उसको बाद में उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल का नाम दे दिया गया और ये टेक्स्ट उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो पूरा प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है, भले प्रियम्बल वर्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से यूज हुआ है, लेकिन इनका हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इसके बारे में सोचे थे, तभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। और पूरा पूरी प्रियम्बल हमारा जो है वो बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले नाम था, बाद में प्रियम्बल कर दिया गया है। और अब तक प्रियम्बल में बस एक बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976 में ही बस एक बार आज तक प्रियम्बल जो है वो अमेंडमेंट हुआ है। और इसमें तीन वर्ड्स इंसर्ट की गई हैं जो पहले इंक्लूडेड नहीं था, तीन वर्ड इंसर्ट किया गया है, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड को बाद में ऐड किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसके वैल्यूज को समझते हैं। टोटल इसमें 9 वैल्यूज हैं, तो ना पूरे सारे वैल्यूज को हम लोग को वन बाय वन करके समझना होगा। विदाउट इसके अंडरस्टैंडिंग हम लोग कंसेप्ट को, इसके बाद के जितने प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बाद जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग क्लियरली कभी भी समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम लोग को प्रियम्बल का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो सबसे पहला वैल्यू जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉवरेन। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसमें सबसे पहले लिखा था ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। तो सबसे पहला वैल्यू है सॉवरेन। तो व्हाट इज सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया का किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिया का किसी को डोमिनेट भी नहीं हो रहा है किसी के थ्रू। पहले 1947 के पहले ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते थे, रूल करते थे इंडिया के ऊपर, लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद से इंडिया एक पूरा पूरी सॉवरेन कंट्री है। ये इसके खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इंटरनल यानी विद इन द कंट्री, इनसाइड द कंट्री जितने भी डिसीजन लेने हैं वो भी ये खुद लेता है। और एक्सटर्नल यानी इंडिया का रिलेशन बाहर स्टेट्स के साथ, बाहर कंट्रीज के साथ कैसा होगा उसका भी डिसीजन, सोल डिसीजन बस इंडिया खुद लेगा। इस कोई इसके ऊपर इसका अथॉरिटी ऊपर से नहीं है। तो सॉवरेन का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, नेशंस का मेंबर था, है अभी भी। तो इसमें कभी भी इंडिया का जो है सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं आएगा, जैसे सॉवरेन पहले था वो अभी भी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी सिमिलरली इसका मेंबरशिप है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि यूएन हम लोगों को डोमिनेट करेगा हमारे हर डिसीजन पे कि इंडिया का क्या डिसीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो सब डिपेंड करता है ये इंडिया के खुद के सॉवरेनिटी पे। सॉवरेनिटी पे कभी किसी का असर नहीं होगा, कोई भी उसको ओवरपावर नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई कितना ही पावरफुल कंट्री क्यों ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट वैल्यू पे, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग बहुत सिंपल है, दैट इज सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। मैंने बताया था ना शुरू में कि 42nd अमेंडमेंट में तीन वर्ड्स यूज हुई हैं, बाद में इंसर्ट हुई हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो अब हम लोग क्योंकि सोशलिस्ट पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखिए कि ये इसको ऐड किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट पहले से ही हमारा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो काम कर रही थी सोशलिज्म के ऊपर, ठीक है। और इसका प्रोविजन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत मेंशन था,
कंटेंट और उसके अकॉर्डिंग वो काम करना भी शुरू कर चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको इंसर्ट करने के पीछे ये रीजन था कि पहले ये छुपा हुआ था, हिडन था, अब इसको स्पेशली मेंशन कर दिया गया है, अब ये एक्सप्लिसिट है। पहले इम्प्लिसिट था, कॉन्सेप्ट तो था ही सोशलिज्म का, लेकिन पहले ये छुपा हुआ इम्प्लिसिट था, अब ये एक्सप्लिसिट हो चुका है, अब सबको अलग से बता दिया जाता है कि सोशलिस्ट कंट्री भी है हमारा इंडिया। तो और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग सोशलिज्म ये भी है कि ये दोनों को साथ में लेके चलना चाहता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों को। पहले तो मेन सोशलिज्म का कंसेप्ट था कि एलियनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा देके सब कुछ जो कंट्रोल था, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ स्टेट करेगा, स्टेट के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड रिगार्डिंग इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के बेसिस पे देखा जाए तो ये दोनों को बैलेंस करके चलना चाहता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का को एग्जिस्टेंस। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा एक प्राइवेट सेक्टर है और ये स्टील बनाता है, ठीक है, टाटा स्टील भी स्टील मैन्युफैक्चर करता है प्राइवेट होके, और जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको बोलते हैं, सेल एक गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट के तरफ से है, ये प्राइवेट के तरफ से, टाटा और सेल दोनों ही स्टील के सेक्टर में है, लेकिन दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, तो इसको कहते हैं सोशलिज्म। किसी एक को ही पूरा दे देना कि स्टेट ही सब कुछ करेगी, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, ऐसा नहीं है, प्राइवेट और स्टेट दोनों मिला के जो काम करना का कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग सोशलिज्म बोलते हैं, सोशलिस्ट भी बोला जाता है इसीलिए इंडिया को, क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करता है, किसी एक को नहीं। और सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये एक मिक्सचर है, इज अ ब्लेंड ऑफ थिंकिंग, दो थिंकर्स के थिंकिंग पे बेस करता है, दैट इज मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, दो ज्यादातर गांधीज्म को ज्यादा के तरफ ज्यादा लीनेंट है, तो लेकिन फिर भी मार्क्सिज्म और गांधीज्म, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से दो थिंकर्स को का ब्लेंड है सोशलिस्ट थ्योरी, तो इसीलिए ये गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों है, ठीक है। हालांकि जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया था, उसके बाद से ये प्रोविजन थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था इस टाइम पीरियड से, तो इसीलिए थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया अब सोशलिस्ट नहीं है, ये सोशलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट वेंचर्स भी है, प्राइवेट भी है, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारा सोशलिस्ट। अब आते हैं सेक्युलर पे, तो सेक्युलर भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, मैंने बताया सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा कि कौन से तीन वर्ड जो है वो यूज किए गए थे। तो ये सेक्युलर है और इसमें बहुत ज्यादा इम्फेसिस दिया गया था सर्वधर्म संभव, ठीक है, इसमें क्या है कि सारे धर्म को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किसी के स्ट्रेंथ के बेसिस पे किसी भी रिलीजन को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसी का स्ट्रेंथ कम है तो उसको कम इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और इसका प्रोविजन क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पहले सेक्युलरिज्म नहीं था, किसी एक धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी रिलीजन को दिया जाता था, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है इस चीज को इन लोगों ने ध्यान पे रखा, और इसीलिए आर्टिकल 25 से 28 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के तहत फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मेंटेन किया गया था, इंसर्ट किया गया था। तो इसका ये मतलब निकलता है कि तभी भी सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के माइंड में था, जो कि बाद में उसको अमेंडमेंट करके ये प्रीएम्बल में भी डाल दिया गया कि कभी भी हम लोग को इस चीज को भूलना नहीं है कि हमारा इंडियन स्टेट जो है वो एक सेक्युलर है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मींस वी द पीपल रूलिंग, हमारा कंट्री कैसे चलेगा, थ्रू द पावर ऑफ कॉमन पीपल, थ्रू इट्स सिटीजंस, हम चलाते हैं ना सरकार, हम लोग चुनते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग वोट देते हैं तो सरकार बनती है, जब हमें लगता है ये सरकार अब काम नहीं कर पाती है हम लोग फिर हटा के दूसरी पार्टी ले आते हैं। तो डेमोक्रेसी का क्रक्स मीनिंग यही होता है। अब दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, प्राइवेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट यानी जो स्विट्जरलैंड में फॉलो होता है कि पीपल डायरेक्टली अपना जो सुप्रीम पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं थ्रू देयर वोट्स। ठीक है, अब इसके भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी चार डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इन चारों टर्म्स को हम लोग सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ये कुछ ही देर में आप लोगों के पास आ जाएगा तो उसको देख लीजिएगा। अभी इन चारों को थोड़े देर के लिए पॉज रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग और इसके अलावे भी क्या है। तो हमारे इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और ये हमारा एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम पावर है थ्रू मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट हम लोग अपना कुछ भी नहीं करते, हम लोग अपना पावर वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर हमारे लिए काम करती है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा स्विट्जरलैंड की तरह नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट है। तो हम लोग अपना पावर वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और फिर गवर्नमेंट इन रिटर्न हम लोग को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, दो तरह का भी रिप्रेजेंटेशन में भी दो टाइप्स होता है, दैट इज पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। एग्जीक्यूटिव जो है वो लायबल है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लेजिस्लेचर को काम में लाने के लिए। तो द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज इन द प्रियम्बल इन द ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यूज हुआ है, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी। अब समझते हैं कि सोशल इकोनॉमी क्या है, सॉरी सोशल डेमोक्रेसी क्या है। तो सोशल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सोशल में तीन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों का इन तीनों को मिला के हम लोग ट्रिनिटी बोलते हैं। इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट करके नहीं, तीनों को हमेशा मिक्स करके देखेंगे तो वो सोशल डेमोक्रेसी कहलाएगा। ठीक है, और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन्स टू एस्टैब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तीनों टाइप का जस्टिस मिलेगा। हमारा इंडिया जो है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है और इसमें सारे सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा इन ए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। जिनका भारत रिपब्लिक यानी जो लोग भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं। ठीक है, तो ये हमारा इन ब्रॉड सेंस चार टर्म्स, चार वैल्यूज को हमने आज कवर किया है, दैट इज सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट के जो चार पार्ट्स हैं, दैट इज रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, तो इन सब को हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो उसको कंप्लीट देखिए और आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिफ्थ वैल्यू से शुरू करेंगे पढ़ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी टर्म का मीनिंग क्या है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड्स डेमोस और क्रेशिया से आया है। तो डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेशिया का मतलब है रूल। तो रूल थ्रू पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आते हैं चार डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम, तो रेफरेंडम इज अ प्रोसीड्योर वेयर बाय ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। इसका ये मीनिंग है, ये एक ऐसा प्रोसीड्योर है जहाँ पे जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है उसको रेफर किया जाता है इलेक्टोरेट के पास ताकि सेटलमेंट हो थ्रू देयर डायरेक्ट वोट्स। ठीक है, डायरेक्ट वोट्स के थ्रू जो सेटलमेंट किया जाए वैसे प्रपोज्ड लेजिस्लेशन को रेफर किया जाता है इलेक्टोरेट के पास, उसको कहा जाता है रेफरेंडम, रेफर करना इलेक्टोरेट के पास। ठीक है, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन को लेकर। अब सेकेंड आते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड है विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। पीपल जो है बिल को प्रपोज कर सकता है लेजिस्लेचर के पास उसके इनैक्टमेंट के लिए। इनिशिएटिव यही मीन करता है। अब आते हैं रिकॉल पे। रिकॉल इज अ मेथड बाई मीन्स ऑफ विच द वोटर्स
can remove representative or an officer before the expiry of his term when he fails to discharge his duties properly. तो पीपल जो है वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं उसके टर्म उसके एक्सपायरी होने से पहले ही, उसकी पूरी जितनी ड्यूरेशन है जॉब की उसके पहले ही उसको रिमूव कर सकते हैं व्हेन जब वो फेल करे अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करने में, व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड रिकॉल। और लास्ट में आते हैं प्लेबिसाइट। तो ये एक ऐसा मेथड है थ्रू विच ओपिनियन ऑफ इंडियाज पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस, इट इज जनरली यूज टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो प्लेबिसाइट का मेथड समझ में आ गया, और इसको जनरली यूज किया जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए थ्रू द ओपिनियन ऑफ पीपल। ठीक है, जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस का टॉपिक हो, कोई भी इशू जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस का हो उसको सॉल्व करने के लिए, और जो टेरिटोरियल से ज़्यादातर जुड़ा हुआ हो उसको, तो वो कहते हैं प्लेबिसाइट। तो दीज आर द फोर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी, और ये ग्रीक वर्ड है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं।